हेलो एरिन, उसमें आरएस नोमेनक्लेचर पे आज काफी डिटेल करेंगे अपन। स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक है आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बच्चे के दिमाग में होगा, सर और भी कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है? हाँ, एक और होता है जो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, वो है ईजेड नोमेनक्लेचर। जो ईजेड नोमेनक्लेचर होता है बेटा, उसे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ईजेड नोमेनक्लेचर भी आगे आएगा, बाद में देखेंगे। अब चलिए आरएस नोमेनक्लेचर। यहां पर आर का मतलब है रेक्टस यानी क्लॉकवाइज, एस का मतलब है सिनिस्टर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा, करते कैसे आरएस नोमेनक्लेचर, समझना बेटा। देखो भाई, आरएस नोमेनक्लेचर के लिए ऐसे पहले आपने कोई मॉलिक्यूल लिख लिया है ना, जैसे मान लो आपने लिखा लैक्टिक एसिड, लिखा आपने लिखा CH3COH H C OH। इसके बाद क्या करते हैं? CIP रूल लगाते हैं, कान इनगोल्ड प्री लॉग रूल। इसमें तीन पार्ट हैं CIP रूल में। पहला रूल ये होता है, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा उसकी हाई प्रायोरिटी। दूसरा होता है, अगर आइसोटोप के केस में जिसका मास नंबर बड़ा उसकी हाई प्रायोरिटी। तीसरा होता है, अगर डबल बॉन्ड है दो चीजों में, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है तो बाद में बन जाएगा सी सिंगल बॉन्ड ओ स्टार स्टार, इस स्टार वाले सी से एक ओ जोड़ो और इस स्टार वाले ओ से एक सी जोड़ो। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कर दो और इन पर स्टार लगा दो। अब स्टार वाले कार्बन से दो नाइट्रोजन जोड़ दो और नाइट्रोजन से दो कार्बन जोड़ दो। ये तीन रूल मिलाकर कहलाते हैं CIP रूल। पहला रूल कहता है एटॉमिक नंबर बड़ा प्रायोरिटी हायर, दूसरा कहता है आइसोटोप के केस में मास नंबर बड़ा प्रायोरिटी हायर, तीसरा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डिटेल करना बताता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की डिटेल कैसे की जाए। अब इस पर अगर हम देखें तो पहले हम लगाएंगे इस पर, देखिए भाई लगाइए वन नंबर। कैसे वन नंबर इसे मिला ये चेक करो, ये कायरल कार्बन है, इससे कौन जुड़ा है? ओ सी सी और एच, बड़ा कौन हुआ? ओ का नंबर 8 है तो वन नंबर और ये 4 नंबर। अब ये दोनों का नंबर 6 और 6 है, दोनों कार्बन है। अब आगे चलो, इसका नंबर 8, इसका नंबर 1, तो इसका मतलब ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। इसके बाद क्या करो बेटा, 4 नंबर को छोड़कर डायग्राम बना लो, 4 नंबर को भूल जाओ, मान लो है ही नहीं, डायग्राम ड्रॉ कर लो, नंबर डाल लो उस पर। क्या क्या नंबर है? 1 2 3। अब 1 से 2, 2 से 3 चलो, 1 से 2, 2 से 3 कैसा आ रहा है आंसर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आए तो पहले आर लिख दो। क्या लिख दो? आर लिख दिया आर। अब इसके बाद 4 नंबर को लगाओ वापस, ये 4 नंबर वापस आ गया, ये निशान हटा दिया, 4 नंबर वापस आ गया। अब 4 नंबर वापस आने के बाद देखो वो कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो आंसर को पलट दो, अगर वर्टिकल पर है तो सेम रहने दो। अभी हमारा कहां है? हॉरिजॉन्टल पे, आर का उल्टा एस, तो ये इस कंपाउंड की एस फॉर्म है। तो इसमें एक ही काइरल कार्बन है और ये इसकी कौन सी फॉर्म है? एस। अगर एक काइरल कार्बन हो और एस फॉर्म है तो असली में इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये छोटे एल के इक्विवेलेंट है, छोटे एल के इक्विवेलेंट है। तो आप कहोगे सर और अच्छा एग्जांपल लीजिए। देखो बेटा आप समझना, देखो जरा
अगर आप पे एक कार्बन कार्बन है, कितना कार्बन कार्बन है, एक, तो अगर आपका R आ रहा है तो इसका मतलब वो D है, और S आ रहा है तो इसका मतलब L है, डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन जैसे अब ये वाला केस है, मान लो ऑर्डर लगाओ सीआईपी के अकॉर्डिंग, 1, 2, 3, 4, आप क्या करो, 4 नंबर को भी डाल दो, मनी मन में हटा दिया। अब 1 से 2, 2 से 3 चलो, कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S है ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S। अब ऊपर लगाओ F को वापस, 4 नंबर को, कौन सी लाइन पर है, वर्टिकल, तो S का क्या रहा, S, क्योंकि काइरल कार्बन एक है तो S का मतलब L हुआ, तो इसका मतलब ये कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप कहोगे सर काइरल कार्बन अगर दो हो तो कैसे करें, अब जरा देखना बेटा, काइरल कार्बन आपके दो हैं, जैसे टार्टरिक एसिड में, अब मुझे पता करना है क्या होगा, ये लिखा होगा काइरल कार्बन कितने हैं, दो, कौन कौन से हैं, ये और ये, तो पहले इस काइरल कार्बन को कंसीडर करो, फिर इसको करो, अलग अलग लिखो, पहले इसे कंसीडर किया तो लिखा सी डबल ओ एच, सी ओ एच एच, ये काइरल कार्बन ये वाला है, और इस पूरे को एक साथ मिला के लिखा सी ओ एच एच सी डबल ओ एच, चेक कर रहे हैं, ये सारा मिलाकर एक साथ आ गया। अब इसको लिख रहे हैं तो ये वाला कार्बन ये हो गया एच ओ एच सी डबल ओ एच, अब ये वाला कार्बन कौन सा आपका, चेक कर लो, ये वाला, ये वाला, ऊपर का सारा एक साथ मिला के लिखेंगे सी ओ एच एच सी डबल ओ एच, ऐसा कर लेंगे। अब इस तरीके से हो गया, अब चलेंगे लगाएंगे इस पर कौन सा रूल, सी आई पी रूल, लगाओ भाई, ओ सी सी एच, तो ये 1, ये 4, अब ये भी सी है, ये भी सी है, बराबर हो गया। अब चलो इस पे कौन है, ओ, इस पर भी ओ है, बराबर हो गया। अब इसके बाद इस पे चलेंगे, अगला इस पे कौन है, यहां पे आप पे ऑप्शन है, देखो दोबारा चेक करो, सी सी बराबर हो गया, इस पर अगला कौन था, ओ, आपने अगला आप पे भी क्या है, ओ, बराबर हो गया, इस पर अगला फिर क्या है, ओ, अब आप पे अगला क्या है, या तो H है या C है, पहला एटम लेना है, तो H और C, H का नंबर 1, C का नंबर 6 है, लेकिन O का नंबर 8 है, तो इसका मतलब बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसका नंबर डलेगा 2, इसका नंबर डलेगा 3, ऐसे यहां पे आ जाओ, चेक करो, O, H, C, C, यानी ये 1, ये 4, अब इन दोनों में चलो, C, C बराबर, ओ, ओ बराबर, फिर ओ, इसमें क्या है, एच या सी, तो इसका मतलब ये 2, ये 3, यहां तक सही, नंबरिंग डल गई। अब किधर चलोगे बोलो, 1 से 2, 2 से 3, 4 नंबर को मिटा लो, अभी मन मन में देखो इसका 4 नंबर मिटा दिया, देखो अब चले 1 से 2, 2 से 3, बोलो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब 4 नंबर को वापस लाओ, 4 नंबर कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ S, और 4 नंबर कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल, तो S कन्वर्टेड इनटू R, तो इसका आंसर हुआ ये वाला कार्बन R है। अब इस पे आ जाओ, ऐसे ही नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 4 को मिटा लो, मिट गया। अब 1 से 2, 2 से 3 कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हुआ, S, S हुआ। अब 4 नंबर को वापस लाए, 4 नंबर कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल, तो S का क्या हो गया, उल्टा R, तो ये हो गया R, ठीक। तो हम बोलेंगे इसमें कार्बन की नंबरिंग करो, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरा कार्बन भी आ रहा है और तीसरा कार्बन भी आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो इसके नीचे लिखा जाएगा 2R, यानी ये वाला कार्बन आ रहे है, और कॉमा 3R, यानी ये वाला कार्बन भी आ रहा है।
तो ये दोनों कार्बन क्या हो गए, आर आर, टू आर थ्री आर, ये लग गया इस पर। अब इसमें ये वाला कार्बन भी लाइट को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। दोनों कार्बन कह रहे हैं हम लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये लाइट की कौन सी फॉर्म बनेगी इसमें, ये डी फॉर्म, क्योंकि ये भी लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये भी, तो दोनों का ही समर्थन क्लॉकवाइज का है, इसका भी, तो ये डी फॉर्म मानी जाएगी। अब कहोगे सर अगर ये डी फॉर्म है बहुत अच्छी बात, तो एल फॉर्म कौन सी बनेगी, अब एल पे आ जाओ जरा, अब एल फॉर्म को समझना जरा ध्यान से। अब देखो एल फॉर्म क्या थी, जैसे मान लो एक बच्चा लिख के लाता है सी डबल ओ एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच सी डबल ओ एच। इसमें देखो कायरल कार्बन कौन कौन से हैं, ये दोनों शॉर्ट करो, इसका करो बोलो सी डबल ओ एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच सी डबल ओ एच। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, अब इसको शॉर्ट करो सी ओ एच एच सी डबल ओ एच, ऊपर करो सी ओ एच एच सी डबल ओ एच। अब इसको देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, ठीक है। अब नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करनी तो आती है, ये नंबरिंग बोलो वन, ये टू अभी करके दिखाई थी, ये थ्री, ये फोर। अब वन से किधर गए, टू, टू से थ्री, वन से टू, टू से थ्री, किधर है क्लॉकवाइज, और फोर नंबर किधर है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो ये हो गया क्लॉकवाइज का मतलब आर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने से हो गया एस, तो ये वाला कार्बन एस है। अब इस पे आ जाओ, वन टू थ्री फोर, चलो भाई फोर नंबर को भी डाल लो मनी वन में, वन से टू, टू से थ्री, कैसा है क्लॉकवाइज, आंसर हुआ आर, फोर नंबर वापस आया कौन सी लाइन पर है हॉरिजॉन्टल, तो बदल करके हो गया एस, एस हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है एस। अब ये कार्बन वन टू थ्री फोर, तो हम इसे लिखेंगे टू एस कॉमा थ्री एस, टू एस कॉमा थ्री एस, तो इसका मतलब ये कार्बन भी कह रहा है लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये भी कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो ये बन गई इस कंपाउंड की एल फॉर्म, क्योंकि दोनों ही कार्बन लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। अब तीसरे पे आ जाओ, आगे चलो, ये देखो बेटा अब आगे चलते हैं। अब आपने लिया केस नेक्स्ट वाला, आपने लिया सी डबल ओ एच, सी ओ एच एच ओ एच एच सी डबल ओ एच, दोनों ओ एच सेम डायरेक्शन में है ना। अब जरा सोचो इस कार्बन को और इसको देखो, जरा कंसीडर करो, लगाइए पहले इसे लगाओ सी ओ एच एच सी डबल ओ एच, आगे चलो शॉर्ट करो सी ओ एच एच सी डबल ओ एच, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, ठीक। अब इस पे चलो आगे, ओ एच एच सी डबल ओ एच सी ओ एच एच सी डबल ओ एच। अगर आप इसे देखेंगे तो जो ये वाला कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, क्लियर। अब नंबरिंग करना सीख गए हो, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, करो वन टू थ्री फोर, इसमें करो वन टू थ्री फोर। अब फोर नंबर को क्या करोगे, मिटाल लोगे, मिटाल दिया, वन से टू चलो, वन से टू, टू से थ्री, किधर चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आंसर हुआ आपका आर। अब फोर नंबर कौन सी लाइन पर है, आंसर हॉरिजॉन्टल पे, आर का बदलकर एस, तो इसका मतलब ये वाला लाइट को एस फॉर्म में जा रहा है, किधर जा रहा है
एस फॉर्म में। क्या बात क्लियर हो गई? कौन सी फॉर्म आ रही है? एस। कैसे? देखो 1 2 3 4, 4 को ढक दिया, 1 से 2, 2 से 3 किधर हो गया? सॉरी, ये किधर हो गया? एक मिनट, गलती हो गई है, देखें एक मिनट, दोबारा चेक करें। 4 नंबर को मिटाया है ना, एक मिनट दोबारा चेक करो। 1 से 2, 2 से 3 ये उल्टा हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एस 4 नंबर इधर आया, अब ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये क्या हो गया? आर। तो इसका मतलब ये है आर, ये सही। अब इस पे आ जाओ, बोलो करो भाई, 4 नंबर को मिटा लो। मिटाल दिया। चलिए भाई, मिटालने के बाद आगे चलो, 1 से 2, 2 से 3 कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आर। अब 4 नंबर आ गया कौन सी लाइन पर? हॉरिजॉन्टल पे, तो आर का उल्टा एस। तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या है? एस। अब लिखा जाएगा 2 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 2 नंबर आ रहे हैं और 3 नंबर एस है। अब ये वाली चीज चाहती है लाइट क्लॉकवाइज घूमे और ये चाहती है लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमे। इसके क्लॉकवाइज घूमने से, इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमने से, यानी ये कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कार्बन का असर इससे कट जाएगा, इसीलिए ये फॉर्म कहलाएगी मीजो, जिसमें लाइट घूमेगी नहीं। क्यों नहीं घूम रही लाइट इसमें, मीजो में? मीजो में लाइट इसलिए नहीं घूम रही क्योंकि 2 नंबर का कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और 3 नंबर का उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो 2 नंबर ने जितना क्लॉकवाइज घुमाया काम, 3 नंबर ने उतना एंटी क्लॉकवाइज वापस घुमा दिया, तो 2 नंबर का असर 3 नंबर के कार्बन ने कट कर दिया, आपस में ही कैंसिल हो गया। इस बात को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। यानी कि आप ही के 4 कार्बन है, उनमें से आपका दूसरा कार्बन जो काम करता है, आपका तीसरा कार्बन उससे उल्टा कर देता है, तो आप ही का कार्बन दूसरा और तीसरा आपस में लड़कर एक दूसरे के असर को काट रहे हैं, तो यह कहलाता है इंटरनल कंपनसेशन। और इंटरनल कंपनसेशन होने से जो फॉर्म बनती है वो मीजो होती है, और रिजल्ट ये होगा, इनने क्लॉकवाइज, इनने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, रिजल्ट ये हुआ कि लाइट घूमेगी ही नहीं, क्योंकि पहले आपने जो काम इधर किया फिर वापस आ गए, तो हमें तो ऐसा लगेगा कि वो काम हुआ ही नहीं है। ठीक, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का टोटल रिजल्ट क्या आया? अब देखो जरा, देखो बेटा, टार्टेरिक एसिड है, उसका ये फॉर्मूला, ये टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है, ये इमली में होता है, इमली का खट्टापन इससे होता है और नींबू का खट्टापन सिट्रिक एसिड से होता है। तो ये जो टार्टेरिक एसिड है, इसकी 3 फॉर्म बनी। आप कहोगे 3 फॉर्म कौन सी? पहली देखो, ये वाली, दूसरी देखो ये वाली, तीसरी देखो ये वाली। तीनों फॉर्म में क्या अंतर है आपको साफ नजर आएगा? क्या अंतर है बच्चों? पहली फॉर्म में इस पर OH राइट है, इस पर लेफ्ट है, दूसरी में इस पर लेफ्ट है, इस पर राइट है, तीसरी में दोनों OH सेम डायरेक्शन में। अभी आपने इस पर RS नोमेनक्लेचर लगाया था इन कार्बन पर, इसका आंसर आया था 2R3R। इस पे लगाया हमने RS नोमेनक्लेचर अभी सिखाया था, इसका आंसर आया था 2S3S। और ऐसे ही इस काइरल कार्बन पे लगाया था तो इसका आंसर क्या आया था बोलो? इसका आंसर आया था 2R3S। तो इसमें दोनों कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, तो ये आगे चलकर बन गई डी फॉर्म। इसमें दोनों कार्बन लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, तो ये आगे चलकर बनी एल फॉर्म। और इसमें एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये बनी मीजो फॉर्म। इसमें लाइट क्लॉकवाइज घूमेगी,
इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, इसमें घूमेगी नहीं। क्यों नहीं घूमेगी? क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन का असर कैंसिल कर दिया, तो आपस में एक ही घर के दूसरा और तीसरा कार्बन लड़कर बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, घरेलू लड़ाई। जैसे आपने सुना भी होगा कि भारत देश में अंग्रेजों का राज क्यों हुआ। भारत देश में एक बहुत बहादुर कौम रही है जिनका नाम है राजपूत, लेकिन उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो बाहर वालों से कम लड़ते थे, आपस में भिड़े रहते थे कि भाई आपस में लड़ते रहेंगे। आपस में उनके लड़ने से बाहर वाले आके देश पर कब्जा जमा गए, और वो इतने बहादुर, इतने ताकतवर होने के बावजूद भी बाहर वालों से हार जाते थे, क्योंकि वो आपस में लड़ाई करके ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे। लाइक मीजोफोन, ये भी ताकतवर है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी ताकतवर है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आपस में ही एक दूसरे को मार डाला। इसमें दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एल फॉर्म बन गई। इसमें दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, डी फॉर्म बन गई। अब जरा देखो, डी और एल के बीच में मिरर लगाओ तो देखो ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसी चीजें जो लाइट को घुमाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, उन्हें बोलते हैं इनेंशियोमर। तो ये डी एल का इनेंशियोमर कहलाएगा। लेकिन ये चीज लाइट को घुमा रही है क्लॉकवाइज और ये घुमाई नहीं रही है, ये घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमाई नहीं रही है। तो जो ये वाली फॉर्म है कौन सी, डी और मीजो या एल और मीजो, ये कहलाएंगी एक दूसरे का डाया स्टीरियो आइसोमर। क्या कहलाएंगी? डाया स्टीरियो आइसोमर। क्या कहलाएंगी? डाया स्टीरियो आइसोमर। अब एक बात याद रखना, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से मीजोफोन लाइट को नहीं घुमा रही है। एक बात और होती है बड़े काम की, आप कहोगे वो क्या सर? अगर कोई डी और एल को मिला ले, इन दोनों फॉर्म को मिक्स कर ले, इसका भी एक मोल ले ले, इसका भी एक मोल ले ले, यानी आप डी और एल को इक्वल अमाउंट में मिला लो, इक्वल मोल ले लो, तब भी लाइट नहीं घूमेगी। वजह ये होगी, ये दोनों कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या हो रहा था, ये आपस में ही कैंसिल हो रहे थे। इसमें ये आदमी इससे मर जाएगा पूरा, ये इसका असर काटेगा, ये इसका काटेगा। लाइट तब भी नहीं घूमेगी जब आप डी और एल की मिक्सिंग कर लेंगे। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें डी और एल मिक्स कर लोगे, उसे बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या है? जब डी और एल फॉर्म इक्वल मोल मिला लिए जाए तो उसे रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। इसमें भी लाइट नहीं घूमती है, लेकिन इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्योंकि इसमें एक आदमी दूसरे से लड़ रहा है, ये इंटरनल है क्योंकि एक ही घर के दो सदस्य आपस में लड़ रहे हैं। इसमें इस घर के दोनों सदस्य इस घर के दोनों सदस्य लड़ रहे हैं, तो एक घर दूसरा घर, अलग अलग घरों में लड़ाई हो रही है, तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन है। और इसमें एक ही घर के दो मेंबर में लड़ाई हो रही है, ये इंटरनल कंपनसेशन है। तो याद रखना, मीजोफॉर्म पे लाइट का ना घूमना इंटरनल कंपनसेशन का उदाहरण है, लेकिन डी और एल फॉर्म को मिलाने पर लाइट का ना घूमना एक्सटर्नल कंपनसेशन है। इनेंशियोमर क्या है? डायस्टीरियो आइसोमर क्या है ना? इंटरनल कंपनसेशन क्या है? एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या है? आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे लगाया? सब चीजें इस वीडियो में आई बहुत डिटेल में। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख रहे हो तो आईआईटी एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हाल फोड़ दोगे और कहोगे मजा आ गया सर, आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन खटाखट निकल रहे हैं, ऑर्गेनिक बेहद सरल लग रही है। मैं अब इसमें एक बात और समझने की है, आप कहोगे वो क्या? अगर आप डी और एल को, यानी रेसमिक मिक्सचर में से डी और एल को अलग अलग कर लो, रेसमिक मिक्सचर में से डी और एल फॉर्म को क्या कर लो? अलग अलग सेपरेट कर लो, तो इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। रेसमिक मिक्सचर में से वापस डी और एल को अलग अलग करना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन कैसे करें, है ना? उसके लिए एक सबसे बढ़िया तीन मेथड है, उनमें से एक सबसे बढ़िया मेथड है
वो है बायोलॉजिकल रिजोल्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं, एक कीड़ा होता है उसका नाम होता है कोचिनियल इंसेक्ट। क्या नाम होता है? कोचिनियल इंसेक्ट। उसको डाल दो तो वो क्या करता है, एक फॉर्म को खा जाएगा, है ना, एक फॉर्म को खा जाएगा डी और एल में से, तो एक फॉर्म बची रहेगी, एक वो खा के खत्म कर देगा। डी और एल के क्रिस्टल को अगर ध्यान से देखो तो डी एल डी वाले में अगर चौंच ऐसी हुई तो एल वाले में ऐसी होगी अपोजिट। और वो कीड़ा देख के एक ही फॉर्म के सारी चीजें खाता जाता है, एक फॉर्म को नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। लेकिन इस मेथड का नुकसान क्या है, 50% उस कीड़े के पेट में चली गई फॉर्म, एक फॉर्म, तो आप जितना लोगे उसका आधा ही बचेगा, आधा वो खाके खत्म कर देगा। तो एक फॉर्म तो बची रहेगी लेकिन एक फॉर्म वो खाके डाइजेस्ट कर जाएगा तो 50% केमिकल का लॉस होगा। अब उसकी जगह दूसरा मेथड होता है मैकेनिकल मेथड। पहला बायोलॉजिकल, कीड़े से खिलवाना, दूसरा मैकेनिकल। मैकेनिकल में भी मैंने बताया डी और एल जो होती है फॉर्म उनके क्रिस्टल की नौ के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ऐसे और ऐसे। तो आप आंख पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ ऐसे करके, और एक वो लो फोर्सेप्स यानी चिमटी, चिमटी समझ गए हाँ, उससे उठा उठा के देखो, अरे इसमें नौ किधर है, इसमें नौ किधर है, ये नौ किधर, ये इधर, इसमें नौ किधर, ये इधर, ऐसे करके अलग अलग करो। इसे बोलते हैं मैकेनिकल सेपरेशन। लेकिन आंख पर मोटा चश्मा लग जाएगा क्योंकि एक डेढ़ घंटे तक ही जब देखोगे एक एक करके अलग अलग करोगे तो कहोगे अरे भैया बड़ी दर्द कर रही है आप। अब उसकी जगह सबसे रिसेंट मेथड आया क्रिस्टलाइजेशन। क्या आया? क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड में खासियत है डी और एल के अलग अलग क्रिस्टल बना लेते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और ना कीड़े की तरह कोई आधा नुकसान होता है और ना ही आंख में दर्द होता है। तो सबसे अच्छा मेथड है डी और एल को अलग करने का, क्रिस्टलाइजेशन। अगर दो बकवास मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड कोचिनियल इंसेक्ट वाला और दूसरा मैकेनिकल मेथड आंख पर लेंस लगा के देख देख कर अपनी आंख को खराब करने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, सामने से हटा हुआ हूं, सारा नजर आ रहा होगा, आप साफ देख रहे हो टार्टेरिक एसिड की तीन फॉर्म बनी। इस फॉर्म में दोनों कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 2R 3R दोनों क्लॉकवाइज, तो ये आगे चल के डी फॉर्म बन गई। इसमें दोनों एंटी क्लॉकवाइज, 2S 3S, तो ये एल फॉर्म बन गई। इसमें एक 2R है और एक 3S है, ये मीजो फॉर्म बन गई। इसमें इंटरनल कंपनसेशन है, अगर आप इन दोनों को आपस में मिला लो तो रेस्पिक मिक्सचर बन गया, और रेस्पिक मिक्सचर में से इन दोनों को अलग अलग करना रिजोल्यूशन है। और रिजोल्यूशन की मैंने आपको कितनी टेक्निक बताई, तीन। पहली बायोलॉजिकल यानी कि वो कीड़े वाला मेथड, दूसरी मैकेनिकल आंख पर लगाओ लेंस और देख देख कर आंख को फोड़ दो, और तीसरा क्रिस्टलाइजेशन, बेहद शानदार मेथड जो आजकल वर्किंग में है। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन ओके रहा, ये आपका पूरा हो गया कॉन्सेप्ट रिजोल्यूशन का। मुझे उम्मीद है समझ में नहीं आया होगा, अल्ट्रासाउंड में आया होगा, लगा होगा वाओ सर आउटस्टैंडिंग पढ़ाया आज आपने, इतने कठिन टॉपिक को इतना आसान तरीके से बताया है, सर मजा आ गया वास्तव में, माइंड ब्लोइंग। तो प्यारे बच्चों जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज का मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा ही नहीं बेहद बेहद अच्छा लगेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा ईजेड नॉमेनक्लेचर यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। फिर उसके अगले वीडियो में रिलेटिव कॉन्फिगरेशन के साथ साथ अपन लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2 की मैकेनिज्म, SN1 SN2 की मैकेनिज्म। जैसे ही हम वो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा हेलो एल्केन हेलो एरीन। फिर NCERT के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करिए, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।